तो हेलो यारो, कैसे हो? लेकर आ गए आप लोगों के लिए एक और नई धमाकेदार वीडियो। तो जिस ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और बेल आइकन को बिल पर सेट कर लीजिए, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का पता चल सके। और हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नीचे पैर पर एक कमेंट करो जिससे हमें मोटिवेशन किया। और तुमने हमें पकड़ कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर हमारे भाइयों को पता लग गया ना तो तुम ठोके जाओगे। तुम हमें नहीं जानते, हम क्या चीज है? हम कबराज है। कबराज को जब गुस्सा आता है ना तो वो उड़ा डालते हैं। वैसे भी तुमने बहुत तबाही मचा कर रखी है तुम बोयाज ब्रदर ने, इसलिए तेरा मरना तो निश्चित है। अब गिड़गिड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठोका तो जाएगा ही जाएगा। अबे भाई मारो ना, बातें क्यों कर रहे हो उसके साथ? मार दो साले को, कहानी खत्म करो। मुझे तो तुम मार दोगे लेकिन मेरे भाइयों से नहीं बच पाओगे। हमसे होशियारी दिखा रहा था, जानता नहीं है हम कौन है? कुत्ता, देखो तो देखो कैसे मारा है। भाइयों अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो यार चलते हैं क्लॉक टावर। इसे शायद पता नहीं था भाई कि शेर का शिकार कोबरा का वार कभी खाली नहीं जाता है। चलो अब चलते हैं क्लॉक टावर को। अबे किसका किया जा रहा है ये? किसने मारा है मेरे भाई को? और तुम लोग क्या कर रहे थे वे बोयाज मेरे भाइयों? अरे भाई हमें नहीं पता था यार, पता नहीं कहाँ चला गया था। और इस पूरे क्लॉक टावर में वही है जो हमारा सामना कर सकते हैं। कौन है भाई वो? अरे कोबरा जोर कौन होंगे, हमारे जाने दुश्मन मेरे भाई। हाँ अल्पा भाई वो ही है, उन्होंने ही मारा है हमारे भाई को, छोड़िएगा मत। हम तो नहीं छोड़ेंगे उन्हें, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे थे वे? तुम्हें जब पता लगा तो तुमने काट क्यों डाला उन लोगों को? मार डालना चाहिए था कुत्तों को, उन्होंने गलती कर दी हमसे पंगा लेकर। छोड़ूंगा नहीं मैं, अब एक एक को चुन चुन के मारूंगा। मेरे भाई को मारा है, गामा को मारा है उन्होंने। अब गामा की मौत का बदला उसका ये भाई अल्फा लेगा। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मेरे भाई आ चुके हैं क्या? हाँ कोबरा सर आ चुके हैं, ऊपर है वो। अच्छा ठीक है, अब मुझे ही उनकी रक्षा का दायित्व संभालना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी आफत मोल ली है। अरे मेरे भाइयों कहाँ हो तुम? अरे भाई क्या हुआ, बोलू यारू? अरे मेरे भाई तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है जो उस बोया के भाई को मारा है। अरे भाई वो ऐसा ही था, वह दूसरी लड़की का रेप करता था और उसे मार डालता था, इसलिए भाई उसका मरना तो तय था। भाई उस गामा ने बहुत हंगामा मचाया था मेरे भाई, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। लेकिन मेरे भाई तुमने मारने से पहले ये नहीं सोचा कि उसका भाई कौन है? अल्फा है उसका भाई, अगर उसे गुस्सा आ गया ना तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम सब चले जाओ, सुरक्षित हो जाओ, मैं देख लूंगा क्लॉक टावर का सारा जिम्मेदारी। अरे भाई तुम भी क्यों चिंता कर रहे हो यार, मैं हूँ ना, डरो मत, मैं जाता हूँ सुरक्षित जगह पर, तुम निश्चिंत हो जाओ। जा रहा हूँ मैं यार, तुम इस क्लॉक टावर को संभालो, मैं अपना रक्षा खुद कर सकता हूँ। यही है उस पर्पल का ठिकाना, कोबरा के भाई पर्पल का ठिकाना। हर बुसे दिखा दूंगा कि क्या चीज है अल्फा, काट डालूंगा साले कुत्ते को, जानते नहीं है मुझे। अरे पर्पल यही है तो तू, अब तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से, जानता नहीं है तू मुझे। अबे मैं जानता हूँ मैं तुझे, तू अल्फा है ना बोयाज का ब्रदर, तू क्या सोच रहा है कि तू मुझसे बच जाएगा? कोबरा कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई भी रोन दे, हम ऐसी चीज है जो कि कोई अपनी जगह से हिला भी नहीं सकता है जिसे, और तू हमसे होशियारी दिखाएगा, मारा जाएगा वे कुत्ते, मारा जाएगा। अच्छा ये बात है, दिखा तो ले कुत्ते, मर रहा मेरा तो सही ले। हा, 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 हमसे होशियारी दिखा रहा था कुत्ता, जानता नहीं है हम क्या चीज है। बोयाज ब्रदर है हम, और हमसे जो भी टकराएगा वो इस तरह मिट्टी में मिल जाएगा। हम हैं यहाँ के राजा, और हमसे जो शरीर दिखाएगा उसे हम मार डालेंगे। मौत और हमारा बहुत पुराना नाता है,
हम हैं यहाँ के बादशाह अलोक, और हमसे जो भी टकराता है ना, उसे हम दफन कर देते हैं, क्योंकि हम हैं और बाकी पानी कम है। हमसे न टकराइएगा। अबे तुम लोगों ने उस कोबरा को बता दिया है ना कि अल्फा ने उसके भाई को मार डाला है। जब वो दोनों लड़ेंगे ना, तो हम लोग टर पर राज कर लेंगे। अरे भाई छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, उसने हमारे भाई को मार डाला है। भाई काट डालूंगा मैं उसे। काटूंगा तो मैं भाई, वो भी अपने हाथों से। साले ने बहुत बड़ी गलती की है कि उसने मेरे भाई को मारा है। भले ही उसने गलती की थी, लेकिन हर गलती की सजा मौत नहीं होती। अब मैं उस अल्फा को दिखाऊंगा कि ये तांडव नाच कैसे होता है। खत्म कर डालूंगा मेरे भाई, जा रहा हूँ मैं। जा भाई और खत्म करके ही आना। तब तक तुम दोनों इस क्लॉक टावर का ध्यान रखो, और मैं उस अल्फा को दिखाता हूँ कि उसने किससे पंगा लिया है। आज तो मौत भी उसे नहीं बचा पाएगी, क्योंकि हम स्वयं मौत बनकर आ रहे हैं उस पर। आ रहे हैं अल्फा, आ रहे हैं। बच ले, बच सकता है तो बच ले। अबे भाई उसने काम तमाम कर दिया होगा मुझे लगता है अल्फा भाई ने। हाँ बाल सही कह रहे हो तुम। अरे उसे कौन आ रहा है कुत्ता? देख तेरा बाप आ गया है आज तेरे प्राण लेने। कहाँ गया है तुम्हारा वो भाई अल्फा? उसने मेरे भाइयों को मारा था ना, अब मैं तुम दोनों को खत्म कर डालूंगा। अबे तुमने तो भी हमारे भाई को मारा, देखो अभी तक डेड बॉडी वैसी की वैसी पड़ी है। और तुम क्या सोच रहे हो, यहाँ आकर तुम बच जाओगे? ये तुम्हारी गलती है। ये ले बेसाले, मुझे मारोगे तुम लोग? ये लो, ये ले बे, छोड़ दो मुझे। ये ले, छोड़ दिया ना तुझे भी मैंने। तुम दोनों का काम तो तमाम कर दिया मैंने, अब तुम्हारे भाई बचा अल्फा, उसे भी जल्दी खत्म कर डालूंगा मैं, क्योंकि उसने कोबरा ब्रदर से पंगा लिया है। और हमसे जो भी पंगा लेता है ना, उसकी सिर्फ एक ही सजा है, और वो है मौत। अरे मेरे भाई कोबरा का चला गया है यार, उसने काम तो तमाम कर दिया होगा ना? हाँ भाई निशांत हो जाओ, तुम सब क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन लेने की बात ही नहीं है। आगे है हम मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। इस क्लॉक टावर में तबाही होगी, बच्चों को नहीं तुम लोग कुत्तो। साले कोबरा हमसे होशियारी दिखा रहा है, और तू क्या गोलियां चला रहा है रे? तू भी मरेगा मेरा तो सेले। साले एक एक को चुन चुन के मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। ये मुझे जानते नहीं है कि अल्फा क्या चीज है। साला उस कोबरा ने हमारे भाइयों को मार कर गलती कर दी है, अब छोड़ूंगा नहीं उसके भाइयों को। ये ले कुत्ते, ये ले। कहाँ है वे कोबरा? कहाँ छिपा है तू? बचेगा नहीं तू मेरे हाथों से। तू तो मर गया कुत्ते, अब तेरे मालिकों को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। बचेगा नहीं तू, कहाँ बे कुत्ते? ये रहे, क्या कर रहे हो वे यहाँ पर? अरे अल्फा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मौत बन के आया हूँ मैं, मार के ही जाऊंगा तुम लोगों को। तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन जिंदा नहीं जा पाओगे। अच्छा ये बात है, अभी दिखाता हूँ। ये ले कुत्ते, मर मेरे हाथों से। ये ले तू मर। कुत्ता हमसे होशियारी दिखा रहा है, ये ले। जानता नहीं अल्फा क्या चीज है। मारे भाई को मारा था ना, और मेरे भाई को मारने वाले को ये अल्फा कभी जिंदा छोड़ता नहीं है, क्योंकि हम बोयाज हैं। बोयाज एक बार जो दुश्मनी कर लेता है ना, तो उसकी दुश्मनी उसकी मौत के साथ ही खत्म होती है, क्योंकि हम आग है, और आग से जो भी उलझेगा उसे हम भस्म जला डालेंगे। चलो जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, अपने भाइयों को खुशखबरी सुनाता हूँ कि मैंने उन्हें उनके दुश्मनों को ख़त्म कर दिया है। जल्दी से जल्दी चलता हूँ यार, अब वो रेड कहाँ होगा? उसे भी छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार मैं क्लॉक टावर पहुंच ही गया। अरे ये क्या, सिपाहियों को किसने मारा होगा? और मेरे भाई तो सुरक्षित होंगे ना यार, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए।
मेरे भाई, और ठीक तो हो ना तुम? अरे कहाँ होंगे वो? अरे यहाँ का गार्ड भी डाउन पड़ा है। अरे मेरे भाई, अरे तुम्हें क्या हुआ? उठो उठो मेरे भाइयों, आखिरकार किसने किया होगा ये? किसने किया है ये? मेरे भाई, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा खाकर कहता हूँ कि जिसने भी तुम्हारा ये हासिल किया है ना, उसे तुम्हारा भाई कोबरा नहीं छोड़ेगा, भले ही वो जहन्नुम में हो या पताल में या फिर आकाश में, उसे ढूंढ कर खत्म कर देगा। और मैं जानता हूँ ये काम किसने किया होगा। उस अल्फा को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब पहले उसने मेरे एक भाई को मारा था, लेकिन अब उसने मेरे बाकी भाइयों को भी मारा है। और इसके लिए मैं उसे ऐसी गंदी मौत दूंगा ना कि उसने कभी सोची ना होगी, उसकी रूह तक कांप जाएगी। ऐसी मौत दूंगा मैं उसे। आ रहा हूँ अल्फा, मैं आ रहा हूँ तेरा संहार करने। अब ये कोबरा तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैं तुझे खत्म न कर डालूं। तू या इंसानता नहीं कि भले ही शिव की तीसरी आंख से कोई बच जाए, लेकिन जब इस कोबरा का क्रोध आता है ना, तो भले इसके सामने देवता क्यों न खड़ा हो जाए, उसे भी भस्म कर डालता है ये कोबरा। जल्दी से चलता हूँ अपने अड्डे को, मेरे भाई राह देख रहे होंगे। अरे ये क्या, यहाँ क्या हो गया है? मेरे भाई, उनकी हालत ऐसी किसने की होगी? मुझे लगता है उस रेड कोबरा ने मेरे भाइयों को मार डाला है। आखिरकार इनकी क्या गलती थी? एक तो चलो मारा ही मारा, लेकिन दोनों की क्या गलती थी? हे भगवान, ये किस जन्म की सजा दे रहा है मुझे तू? मेरे भाइयों को क्यों मार डाला आखिरकार? इन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मैं युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी युद्ध करना पड़ रहा है मुझे। आखिर किस जन्म के बदले रहा है तू? तू नहीं बचेगा अल्फा मेरे हाथों से। तू शायद ये भूल गया था कि जिस शहर में तू नौकर बनकर आया था ना, उस शहर के राजा थे हम, और तूने राजा से ही पंगा लिया, और वो भी उसके भाइयों को मारकर। अब तू नहीं बचेगा मेरे हाथों से। तुम मार ही दो मुझे मेरे भाई, क्योंकि मेरा जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा है। अब मेरे भाई मुझे छोड़कर जा चुके हैं, अब मेरा भी जीने का कोई फायदा नहीं है। फायदा तो मेरा भी नहीं है मेरे भाई, क्योंकि तूने भी मेरे भाइयों को मार दिया है। लेकिन मुझे माफ कर दे, मैं क्रोध में इतना अंधा हो गया था कि मैंने तेरे भोले भाले भाइयों को भी मार डाला। हाँ भाई, मुझे पता लगा है कि उस आलोक ने सब कुछ किया है। ये हमारे दोनों के बीच लड़ाई का मुख्य कारण वो ही है भाई। तो ये रहा उसका अड्डा। हाँ भाई, यही है उसका अड्डा, जो युद्ध हम दोनों से शुरू हुआ था। अब वो इस आलोक की मौत से खत्म होगा। हाँ भाई, मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ। मैं अब युद्ध चाहता ही नहीं हूँ, क्योंकि इस युद्ध ने मेरे से बहुत कुछ छीन लिया है। इसलिए भाई तुम ही खात्मा करो इस आलोक का। ठीक है मेरे भाई, ऐसे पापियों को मारने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ था। नहीं छोड़ूंगा मैं इन्हें, भून कर रख डालूंगा। भाई जाओ और फतेह हासिल करो भाई। हाँ मेरे भाई, अब मैं तुम्हारे और अपने भाइयों की मौत का बदला लूंगा। इसने जो षड्यंत्र रचा था ना, अब उस षड्यंत्र में इसे मैं खुद मारूंगा। आगे मैं कुत्ते, क्या कर रहे हो? भून डालो मैं इसे, कुचल डालो, मारो कुत्ते। हमें मारोगे तुम लोग? मारे हुए। तुम्हारी ये लोहे की गोलियां इस फौलाद के सीने को नहीं मार पार कर सकती, लेकिन मेरी कर सकती है। मरोगे तुम लोग, मरोगे, भून कर रख डालूंगा मैं। अपने भाइयों की मौत का बदला लूंगा आज मैं तुमसे। मर गए आखिरकार तुम सब लोग, तुम्हारी यही सजा मिलने चाहिए थी तुम लोगों को। तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है। मेरे लिए मेरे भाई ही सब कुछ थे, इस क्लॉक टावर से बढ़कर भी। तूने मुझसे उन्हें ही छीन लिया। अब मैंने अपने भाई और उस अल्फा के भाइयों का बदला ले लिया है तुझसे। तुझ साले की यही सजा होनी चाहिए थी। और जब जब तुझ जैसा पापी ऐसा सोचेगा, तो उसकी सोच में मैं आऊँगा कि ऐसा मत कर, नहीं तो कोबरा उसे भस्म कर डालेगा।